गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। हम ब्रश कर रहे हैं, बाबू भी ब्रश कर रहा है, मतलब हम तीनों ही ब्रश कर रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है बताऊँ, बहुत लेट हो गई है। क्या है ना, नीचे वाले भी आ जाते हैं आजकल, ठंडी के दिन है तो, और उनके यहाँ से जाने का वेट करना होता है। जब वो चले जाते हैं उसके बाद हम आते हैं, हम लास्ट में ही आते हैं, लास्ट में उठते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं और लास्ट में हमारा सब कुछ होता है। बट हमारा ना लंच सबसे पहले होता है और डिनर भी सबसे पहले होता है। इधर के लोग बहुत लेट में खाते हैं, दोपहर का खाना भी लेट में खाते हैं, नाइट का खाना भी लेट में खाते हैं, और हम बहुत फास्ट हैं इस खाने के मामले में। सबसे पहले खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी जल्दी से कर लेते हैं, लंच हो गया साथ में, लंच अगर चले जाते हैं। क्या क्या दिख रहा है, कपड़े सुखाए हैं ना यहाँ पे। चलो चलो गाइस, ब्रश जल्दी से करते हैं और उसके बाद में बाकी के काम करेंगे जी। तो सभी आप वीडियो पे बने रहिएगा, और मेरी वीडियो 4 बजे आ जाती है ना, आप सभी को पता है कि नहीं पता है। शाम को 4 बजे मेरी वीडियो आ ही जाती है, या 4 बजे से कुछ मिनट पहले आ जाती है, तो आप सब 4 बजे तक देख ही लिया करो यार प्लीज़। क्या खा रहे हो? ओके ओके बेटा, गुलाब जामुन फास्ट। कैसे लग रहा है मेरी बनाई गई चटनी, कैसे लग रही है? मस्त लग रही है, सच में। इसे भी खा रहे हैं, बाबू छोड़ा है आपके लिए। चलिए बाबू तो खा लिया है अपना, और हम भी खाना खा लेते हैं। गुलाब जामुन खा चुका है, हम खाना खा रहे हैं। डालो बाबू, बनेगा तुम खिलाओ, मम्मा खिलाएगी इसके साइड से बनेगा। हमारा दालू भातू और ये सब मिक्स करके बनाई हूँ, मस्त तो लग रहा है। गरम गरम देखिए, हवा भी निकल रहा है धुआं बैठे। ओके बेटा, कौन सा मेरा है बता तू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी आज ना गाइस, पूरी बद्री छाई हुई है यहाँ पे, और सनराइज बीच बीच में हो रही है बट छिप जा रही है फिर से। और मैंने कपड़े धो लिए, नहा भी लिया मैंने, और बेटा भी नहा लिया। अब हम चलते हैं नीचे जाके, क्या क्या करना है बताती हूँ। आज हमने ना चूहे फंसाए थे लेकिन फंसा ही नहीं। मैं कल क्या क्या कर रही थी ना बताऊँ, मैंने ना एक प्रोजेक्ट ऑन किया है, सो फ्रेंड्स मैं भी ना रेडी हो चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। और देखिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, मास्क इसलिए लगाई थी कि थोड़ा सा किचन की सफाई कर रही थी। अब हम बनाएंगे आज भाजी, ये देखिए भाजी साग, कांदा भाजी को टमाटर के साथ बनाऊंगी, और दाल बनेगा, चावल बनेगा, दैट्स इट। बन गया हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ। कितना सारा भाजी है ना, इतना सारा भाजी देखिए। हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे, इधर मैं बैठी हूँ और इधर वो बैठे हैं, वो भी छटिंग करने लग रहे हैं। इसमें छटिंग कर करके इसमें डाल रहे हैं बाल्टी पे, फिर बाल्टी में अच्छे से धोएंगे 2-3 बार, मस्त साफ़ हो जाएगा, उसके बाद बनाना है जी। आप लोग खाए हो, आप में से किस किस ने ये वाली भाजी खाई है और किस किस को पसंद नहीं है मुझे बताइएगा कमेंट में। मुझे तो अच्छा लगता है कभी कभी खाना, रोज़ थोड़ी ना खाते हैं, कभी कभी ऐसा खा लेना अच्छा लगता है, गुड भी चीज़। ओके तो चलो मैं इसको बनाती हूँ, देन आप सबसे मिलती हूँ, सभी वीडियो पर बने रहिएगा गाइस। फाइनली खाना बन चुका है फ्रेंड्स, अब हम खाने वाले हैं। ये देखिए मेरी भाजी जो बनाने वाली थी ना, कांदा भाजी, ये वही भाजी है। फिर आपसे मिलती हूँ, बना रही हूँ मैं, और सब आपको दिखाऊंगी, आपको भी शायद अच्छा लगे। मम्मा दो ना, बहुत अच्छी चीज दिखा रही हूँ। हाँ बेटा दे रही हूँ आपको। किस किस को ये भाजी पसंद है बताइएगा मुझे। गुड इवनिंग गाइस, हम आ गए हैं छत पे, हम छत पे ढेर सारे व्लॉग्स, और ढेर सारे व्लॉग्स नहीं वीडियो बनाई हूँ, कुछ वीडियोस बनाई हूँ मैं, रील्स बनाई हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप सबको मिल जाएगा गाइस, तो आप सभी ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए इनका चेहरा, ये अपने चेहरे को कैसे छिपाते रहते हैं, पता नहीं क्यों इतना शर्माते हैं यार, समझ नहीं आता। एक यहाँ पे एक टावर है,
उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे कौवे यहाँ पे अपना घर बना रहे हैं और उसके लिए लकड़ियाँ ला रहे हैं, रस्सियाँ ला रहे हैं, कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं। हम भी बस यहाँ से बैठ के देखते रहते हैं। काफ़ी अच्छा मस्त लगता है यार कि देखो ना कितना मेहनत करके वो अपना घर बनाते हैं। सो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे यार, और हम भी ठीक हैं, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा लगता है ना फैमिली में सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ ठीक है, अभी सब कुछ मस्त है, अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ सब कोई खुश रहे, सब कोई खुश रहेंगे तभी तो मुझे देखेंगे, मुझे सुनेंगे मेरी बात को और मेरी बातों पे कमेंट करेंगे, है ना। कैसी लग रही है मेरी वीडियोस आप सबको? अच्छी लग रही है ना? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अभी और कहीं जाना नहीं होगा इस महीने के लास्ट में, लेकिन फिर से एक टूर बन रही है हमारी इस महीने के लास्ट में फिर हमारी। सो गाइस, अभी ऊपर नीचे वाले आ गए थे, जब नीचे वाले आते हैं तो हमारी गलती पर एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे छत पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, जब तक नहीं आते हैं तब तक आज़ादी से रहो, और कोई आ जाता है तो फिर अपनी अपनी साइलेंटली अपना चुपचाप हो जाना पड़ता है। इस महीने के लास्ट में फिर एक टूर बन रही है, देखते हैं, जाना ज़रूरी है वो भी, देखा जाए तो सब कुछ ज़रूरी ही है, सब कुछ ज़रूरी, जो ज़रूरी होता है ना वो होने ही है, और ज़रूरी नहीं होता वो तो फिर ज़रूरी नहीं ही होता है, उसको छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है उसको तो करना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। ट्रेवलिंग कर करके थक जाती हूँ, बताऊंगी बाद में, वो लोग मना करेंगे, घर वाले भी नहीं चाहते, घर वाले भी यही चाहते हैं कि हम आराम से एक जगह पे रहें, पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलूंगी बाद में, कुछ मैं कुछ नहीं बात बताऊंगी, घर वाले को भी कैसे बोलेंगे सर। और दिवाली मना लिए होंगे, सब कुछ हो गया, अब सीधे क्या के त्यौहार, कौन से त्यौहार आ रही है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे त्यौहार, यस, छेरछेरा त्यौहार आने वाला है, छेरछेरा त्यौहार आएगा। और मैं पिछले साल शायद छेरछेरा त्यौहार का भी बनाई थी वीडियोज़, अगर आपने नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ब्लॉग्स वाले प्ले लिस्ट पे है छेरछेरा का त्यौहार, आप सभी ज़रूर देखिएगा, ये सारी वीडियोज़ देखा करो, कमेंट किया करो, लाइक्स किया करो, सपोर्ट करो, बस जो मुझे सपोर्ट करते हैं ना उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद गाइस, आप सभी का प्यार है, आपके लाइक कमेंट्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, मुझे हिम्मत मिलती है और मैं वीडियोज़ बनाना कंटिन्यू रखती हूँ, अगर सच में ऐसा नहीं होता ना तो शायद, सभी का दिल से धन्यवाद, हमेशा मेरी दुआएँ हैं आप सबके लिए, बहुत अच्छी अच्छी विशेष हैं, बहुत सारे, हाँ ये पता नहीं वेब्स दीपी जाइए दौड़ती हुई प्लीज़ यार, मैंने क्या किया, मैं एक नंबर की भुला करूँ, पता है बहुत भुला करूँ मैं, क्या करी, हमारे बाबू लेके आए थे वो होता है ना सिंघाड़ा, सिंघाड़े को उबाल रही थी और सिंघाड़े को उबाल के ऑन करके मैं इधर आ गई, अभी मुझे याद आ रहा है कि मैं सिंघाड़े को उबालने के लिए छोड़ दी हूँ, और अभी याद आया तो उनको दौड़ाते हुए नीचे भेजी हूँ, भुलक्कड़ हूँ मैं, बहुत भुलक्कड़ हूँ। हुआ बंद था, मैं तो ये भी भूल गई कि मैं बंद ही कर दी थी, ओह नो यार, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, भूलने की बीमारी का कुछ इलाज होगा आपकी नज़रों में, कुछ देसी उपाय होगी, कुछ आइडियाज़ होंगे तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं फॉलो कर सकूँ तो अपनी भूलने की बीमारी को ठीक कर सकूँ, बहुत भुलक्कड़ हूँ। और बताइए जी, और क्या बताऊँगा, धीरे धीरे चल रही है ज़िंदगी, आप सब मुझे कमेंट किया करो ना कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, वो वाली वीडियो बनाओ, कुछ मुझे सजेस्ट किया करो यार, मुझे बताया करो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्या चाहते हैं मेरी, मुझे कमेंट किया करो, मुझे आइडिया मिलता है कि हाँ इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहता है डेली रूटीन्स है ना कुछ, और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करो, मैं ज़रूर कमेंट को देखूंगी, अब मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको सबको पता ही होगा मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सब पे लाइक करती हूँ, सब पे हार्ट अगर दिया ना किसी पे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो वीडियो आप फुल वॉच नहीं करे हो वीडियो को और आपने कुछ कमेंट किया, कुछ भी लंबा चौड़ा छोटा मोटा कुछ भी कमेंट किया ना तो मुझ तक नहीं आती है, मुझ तक आती ज़रूर है पर मैं उसको पढ़ नहीं पाऊँगी, आई है मैसेज उनका ऐसे मुझे पता चलता है पर क्या लिखा है वो चीज़ मुझे पता नहीं चलती है, इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो को देखते देखते कमेंट किया करो या फिर फुल वॉच करने के बाद में करो, जिन जो फुल वॉच नहीं करते हैं और जो कमेंट करते हैं वो मुझे पता चल जाता है, मुझे बहुत दुख होता है कि इन्होंने फुल वॉच नहीं किया और कमेंट किया है पढ़ नहीं पाती हूँ, फिर मैं उसका रिप्लाई भी नहीं कर सकती वहाँ पर, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बोल रही हूँ जब भी आप कमेंट करते हैं ना फुल वॉच करके क्या करो,
और फुल वॉच जैसे कर लेते हैं या फिर वीडियो चल रही है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए तभी मेरी एक व्यू बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए गाइस, आपका एक व्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो फिर चलो, अब शाम हो गया है, शाम नीचे जाऊँगी और डिनर की तैयारी करूँगी, रोटियाँ बनाऊँगी, चाय के साथ भी खा लेते हैं, दूध के साथ भी खा लेते हैं, चटनी के साथ खा लेते हैं, सब्जी के साथ खा लेते हैं। फिलहाल मैं शाम को सब्जी नहीं बनाने वाली, चटनी या फिर चाय ही बनाने वाली हूँ, या दूध के साथ में खाएंगे। देखती हूँ, बनाते बनाते बहुत बिजी हो जाती हूँ इसलिए उस टाइम व्लॉग शूट नहीं कर पाती, इसलिए आजकल खाना पीना ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ आप सबको। सो जिन्होंने मुझे पहले पुराने वीडियोज़ को भी देखा करूँ जो यहाँ पे आती है ना साइड पे, और डिस्क्रिप्शन भी चेक किया करूँ, उसमें लिंक दिया हुआ है कुकिंग की, ब्लॉगिंग की, डेली नीड्स और कुछ कुछ चीज़, कुछ कुछ प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो सबको आप देखा करो, सपोर्ट करो फ्रेंड्स, आप सबसे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं करके बैठी हूँ, तो सपोर्ट किया करो। चलिए, आप बहुत शाम हो गई है, अब हम भी जाएंगे नीचे, यहीं पे कितना चलूँगी, चल चल मैं तो ये चक्कर आते हैं छोटी सी जगह पे, मुझे चलना बहुत पसंद है, दूर चलने का मन होता है, बहुत दूर पैदल पैदल, लेकिन जा नहीं सकती जी, बैठे बैठे मेरे पेट निकल जाएगा लगता है। हाँ, और एक बात, एक मैं कुछ पन्नियों का जो हमारी जिलियाँ रहती है ना हमारे, उनसे बाजार से लेके आती हूँ सामान, वही पॉलीथीन से मैं कुछ क्राफ्ट्स बना रही हूँ, मुझे ना कुछ कुछ ऐसी क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, तो मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ, तो मैं आज बना रही थी लेकिन मैं आप सबको बता नहीं पाई क्योंकि उस टाइम मैं बहुत बिजी थी गाइस, और मैं लग जाती हूँ ना किसी काम में तो फिर मैं वीडियो मोबाइल कुछ नहीं सोचता, मैं लग गई थी अपने काम में, बहुत सारे बनाई हूँ पर बनी अभी मतलब स्टार्ट ही करी हूँ, जब बन जाएगी या फिर आधा बनेगी मेरे खाने लायक हो जाएगा, जब बहुत सारे थोड़े बन जाएंगे कुछ समझ छा पाऊँगी आप सबको कि इसकी वजह से ऐसा बना है, फिर इसकी वजह से ऐसा, फिर ऐसा, तो ऐसी सिचुएशन में सब आपको दिखाऊँगी, और अभी नहीं दिखाई हूँ क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को इकट्ठे कर रही थी, ये वो इकट्ठे कर रही थी, सबको मैनेज कर रही थी कि ये वाली कलर अलग अलग बननी है ना, तो सबको मैनेज कर रही थी, और जब बनाने लायक आप सबको दिखाने लायक हो जाएगा तो मैं आप सबको। बेबी क्या खिला रहे हो? मैं कुछ नहीं खिला रहा हूँ। ये क्या काट रहे हो? सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा समोसा को कहते हैं। सिंघाड़ा समोसे को? मैंने तो कभी नहीं सुना। आप तो बोली बेबी, मैं तो नहीं सुननी, दौड़ खिलाओ ना प्लीज। थैंक यू।